इज द गारमेंट्स ऑफ द अनमैरिड गोपीज। तो यहाँ जीव गोस्वामी ने ये बताया कि बच्चों को खुद ही भूख लगा था, वो लोग बहुत देर से घूम रहे थे तो उन्हें खुद भूख लगा था। उन्होंने बताया कि शायद कृष्ण भूखे होंगे, ऐसा निर्णय करके उन्होंने बताया कि शायद कृष्ण और बलराम भूखे हैं, तो इसीलिए कुछ खाने की प्रबंध होना चाहिए। तो उन्होंने करते करते वो जानवर को लेकर के घूम रहे थे और आराम से घूम रहे थे और अंत में छोटे से जानवर चले गए जो यमुना के तीर में था। फिर उन्होंने बहुत भूख लगने के कारण कृष्ण और बलराम के पास जाकर के इस तरह से कहने लगे। तो अब क्योंकि भगवान का दूसरा लीला शुरू होने वाला है तो इसीलिए उन्होंने अब भगवान को उसके लिए भगवान ने प्रेरणा किया कि ये बच्चे लोग भूखे नहीं हैं, ये तो कुछ लेकर के जाते हैं जंगल में, खाते भी हैं। अब ये भगवान ने कुछ लीला करना चाहा है यहाँ पर, क्योंकि भगवान के भक्त तीन लोग वहाँ पर वेटिंग कर रही है, वो सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा सृजना किया कि बच्चे लोग भूखे जैसे उनको अनुभव होने लगा। और तब उन्होंने कृष्ण के पास जा करके कहने लगे कि कुछ खाने का प्रबंध किया जाए। तो ये भी भगवान के लीले, क्योंकि एक लीला के बाद दूसरा लीला भगवान करते रहते हैं, अब किसके बाद क्या आना है भगवान को पता है। तो अभी दूसरे लीला के लिए भगवान यहाँ भूमिका बना रहे हैं ग्वाल बालों को भूख लगा करके। हाँ, कि जैसे कल एक स्टोरी बता रहे थे ना कि उस राजा को कोई चोर लोग पकड़ने वाला थे, तो वो एक सांप उठ करके आकर के राजा के पैर हाथ में खाट जाता है। तो ये भगवान ने एक भूमिका बनाया कि इस राजा को अभी कैसे बचाया जाए, और उसको अपना हाथ को अंगली नहीं काटता तो वो लोग वहाँ बलि दे देते। तो भगवान भी इस तरह से भूमिका बनाते हैं, लेकिन हम उस भूमिका को समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। इसीलिए आदमी को ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है सब भगवान के अरेंजमेंट के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ आप भगवान भूमिका बना रहे हैं कि इन ग्वालों को भूख लगा है, तो वो लोग खाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे खाना लाया जाए। अब ये सब खाना के कारण इधर ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार होता है, ब्राह्मणों का उद्धार होता है, अंत में जाकर ब्राह्मणों का भी उद्धार होता है, क्योंकि उन्होंने भी भगवान से माफ़ी मांगा और केवल कंस के डर के कारण वो लोग भगवान के पास नहीं आए। तो इन ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का भगवान उद्धार करने चाहते थे, इसलिए भगवान ने अभी इन ग्वालों को भूख का बहाना दिखा करके अभी दूसरा लीला शुरू होता है। तो कल से ये ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार का पाठ शुरू होगा, तो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, हम लोग उद्धार नहीं है, ब्राह्मण पत्नियों का